जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए खासा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के बीच जहां पर बीएड वर्सेस बीटीसी यानी डीएलएड पर सभी लोग वार्ता कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या 2022 में बीएड करना सही रहेगा जबकि प्राइमरी से बीएड को बाहर करने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में क्या रहेंगे करियर ऑप्शंस आफ्टर बीएड 2022 में, बीएड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कहां से करनी चाहिए, कौन से ऐसे बेटर सोर्सेस हैं जिससे आपको जल्दी नौकरी लग सकती है अगर आप बीएड कर लेते हैं, इन कंप्लीट बातों के ऊपर इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों से जरूर एक रिक्वेस्ट पहले करूंगी कि अगर अभी तक आप इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने हैं, इस टीचिंग प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जुड़े हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा देना क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहेंगी। चलिए बात करते हैं इस कंट्रोवर्सी की, बीएड वर्सेस बीटीसी यानी डीएलएड, यानी डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी है उन्होंने एक याचिका दायर कर दी है कि बीएड वालों को बाहर किया जाए, किससे, प्राइमरी की भर्ती से। ऐसा क्यों है, कब से ऐसा हुआ, इन सभी चीजों के ऊपर डिटेल में वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि बीएड एक्चुअली है क्या। बीएड का मतलब होता है आपकी मतलब बैचलर डिग्री है, ये समझ रहे हैं, जो डीएलएड वाले हैं वो डिप्लोमा डिग्री है। डिप्लोमा हमेशा जो बैचलर डिग्री होती है उससे नीचे तबके पे आता है, समझ गए आप लोग, यानी वो उससे छोटा कोर्स है। मैं किसी को कम और ज्यादा नहीं आंक रही हूँ, जो जनरल फैक्ट है किसी भी कोर्स को लेकर वो आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। तो बैचलर डिग्री है एजुकेशन में, ठीक है। अब इसको इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और साथ ही साथ सरकार का रुझान भी बीएड वाले अभ्यर्थियों के साथ है। अगर आप बीएड कर लेते हैं तो क्या क्या तीर मार सकते हो, है ना, मतलब ये तो है कि क्लियर मास्टर बन सकते हैं बीएड करने के बाद, बट किस किस फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। तो भैया अगर अभी तक की तवज्जो देखी जाए तो बीएड करने के बाद आप प्राइमरी के मास्टर बन सकते हो, यानी क्लास वन से लेकर क्लास फिफ्थ तक के। और इसमें भी मजेदार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट लाई है, यानी कि आपके 3 साल से 6 साल तक के बच्चे जो हैं अब उनको भी सरकारी स्कूल में एडमिशन मिलेगा, बकायदा उनके लिए क्लासरूम्स होंगी, जिसे बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट कहा गया है। वहां पर भी जब इतने बल्क में 3 साल से 6 साल तक के बच्चे जो आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ते थे उन आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका बना दिया जाएगा, वहां पे टीचर मांगता नहीं मांगता, तो अभी तक कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है कि किनको तवज्जो दी जाएगी। तो गुड क्वालिटी ऑफ टीचर्स अगर चाहिए तो एक तबका जो है वो ये कह रहा है कि बीएड वालों को वहां भी प्रेफरेंस दी जाएगी स्पेशल कोर्स कराने के बाद। तो ये सबसे सुनहरा और बल्ले बल्ले वाला मौका है बीएड वालों के सामने। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये मानिए 3 से 6 में भी अभी अगर हम मान के चलते हैं, उसके बाद 1st to 5th प्राइमरी में हम मान के चलते हैं बीएड वालों को वैल्यू मिलती है एडमिशन के लिए, उसके बाद 6 to 8 जो जूनियर स्कूल होते हैं वहां पर भी बीएड वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एकदम सीना चौड़ा करके, मतलब वहां के लिए तो वो एलिजिबल है ही है 6 to 8 के लिए। उसके बाद आता है टीजीटी यानी 9 to 10th का टीचर, यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर बनते हैं और यहाँ पर भी बीएड वाले एकदम चौड़े होके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पीजीटी वाला तबका यानी 11th 12th के टीचर, वहां पर भी बीएड वाले जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी में कहीं कहीं बीएड मांगी जाती है, कहीं कहीं बीएड नहीं मांगी जाती, पर मान के चलते हैं कि हम लोग मांगी ही जाती है, तो बीएड वाले 11th to 12th जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी बेसिक से लेकर हायर एजुकेशन तक बीएड वालों के लिए बल्ले बल्ले है, बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती निकलती है। खंड शिक्षा अधिकारी कौन होता है, खंड होता है एक ब्लॉक, यानी किसी भी जिले को अलग अलग ब्लॉक्स में तोड़ा गया होता है, 6, 7, 8, 12, 15 जितना बड़ा जिला है उस हिसाब से उसमें ब्लॉक्स बनाए गए होते हैं। हर ब्लॉक का एक खंड शिक्षा अधिकारी होता है, उस ब्लॉक की पूरी शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए, चाहे प्राइमरी मतलब सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, प्राइमरी हो, ठीक है, तो वहां पर उसे देखने के लिए एक खंड शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाता है। अधिकारी लेवल की ये जॉब होती है, तो इसकी वैकेंसीज भी जो है वो बीएड करने के बाद ही इन वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। और इससे भी मजेदार पद होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी, BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो पद होता है वो पूरे जिले का दादा, मतलब बेसिक शिक्षा जो होती है पूरे जिले की उसके जो ऊपर है सबसे बड़ा सुपरिटेंडेंट कह सकते हैं आप शिक्षा व्यवस्था का, बेसिक शिक्षा व्यवस्था का, चाहे प्राइवेट की हो चाहे सरकारी की हो, उसकी देखरेख करने वाला जो है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये भी क्लास वन अधिकारी लेवल की पोस्ट होती है। और इनके लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने बीएड कर रखी है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है ना तो विद्यालय में शिक्षक कम रहने देंगे, ना ही शिक्षकों के ऊपर निरीक्षण करने वाले अधिकारी कम रहने देंगे, यानी अब खंड शिक्षा अधिकारी की भी लगातार भर्ती होगी,
होगी, बीएससी की भी लगातार भर्ती होगी, प्राइमरी लेवल पर भी टीजीटी पीजीटी या फिर बालवाटी का जो कॉन्सेप्ट है प्री प्राइमरी, हर जगह शिक्षकों की बड़ी तादाद में भर्ती की जाएगी। तो ये सबसे बेहतरीन बात जो है वो है। तो अब बात आती है कि ठीक है मैम, समझ में आ गया कि बीएड के इतने सारे रास्ते हैं, अगर हम बीएड करने की सोचते हैं, सोचिए क्या बीएड का एक्चुअल रुझान जो है, जो समझदार लोग हैं उनमें देखने को मिल रहा है। 2022 में अभी जो एडमिशन हो रहे हैं उसी में सर्वे में साफ तौर पे आया है कि बीएड में अब तक 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ एडमिशन हुए हैं, चाहे किसी भी स्टेट की बात करें, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में एडमिशन चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, इवन सदर्न स्टेट्स में भी, जहां पर इंजीनियर्स का बोलबाला था वहां पर भी बीएड यानी कि सरकारी नौकरी को तवज्जो दी जा रही है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक संख्या में लोग बीएड करने की तरफ रुझान कर रहे हैं। पर हम मान के चलिए, चलिए सरकारी नौकरी नहीं लगती तो क्या, क्या तब बीएड करने के बाद हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं? डेफिनेटली अगर आप बीएड कर देते हैं तो इसके अलावा आप डायरेक्ट आर्मी में भी, मतलब एज अ टीचर, एजुकेशन कोर होता है आर्मी के अंदर, आर्मी एजुकेशन कोर, उसमें भी एज अ टीचर जो है वो अपॉइंट हो सकते हैं। और भी डिफरेंट ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बीएड या फिर स्पेशल बीएड जो होती है, ऐसे एजुकेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है और उनको वहां पर रखा जाता है। इसके अलावा चलिए ये सब सरकारी चीजों को बिल्कुल ही साइड कर देते हैं। तो अगर आपके पास कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स है, एक अच्छे प्रेजेंटेबल टीचर हो अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर एक बेहतरीन आपकी कमांड है, तो आप प्राइवेट स्कूल्स में भी दबा के कमा सकते हैं। इन स्कूल टीचिंग के बाद अपने सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट ट्यूशन टीचर बन सकते हैं। और कोविड ने तो टीचर्स के सामने तमाम ऐसे रास्ते खोल दिए हैं जहां पर आप ऑनलाइन टीचर्स के तौर पर घर बैठे लाखों कमा सकते हैं। और यहां पर भी आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो ट्रेड सर्टिफिकेट है आज की डेट में उनको वैल्यू किया जा रहा है। मैं मानती हूं फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास डिग्रीज नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट आप मान के चलिए कि किसको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपको ही अपने बच्चे को पढ़वाना है। जो व्यक्ति ट्रेंड है, जिसके पास प्रॉपर डिग्री डिप्लोमा है, उस व्यक्ति से आप अपना बच्चा पढ़वाना चाहेंगे ना। तो हर जगह आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं, हर जगह आपका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपकी एजुकेशन प्रॉपर एजुकेशन क्या है। तो ऐसे लोगों को तवज्जो दी जाती है जिन लोगों ने कंप्लीट अपनी डिग्री जो है ले रखी है ऑनलाइन एजुकेशन के फील्ड में भी। तो इट मींस ये मान के चलिए, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे आप सरकारी की तैयारी कर रहे हैं, अगर 2022 में आप बीएड करके चलते हैं तो आपके सामने एक सुनहरा मौका जो है, मैं कह सकती हूँ, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट अब बात आती है 2022 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि बीएड कैसे करें। बीएड करने के तीन रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। यहां पर आप जस्ट आफ्टर 12th जो है वो बीएड कर सकते हैं, जिसे 4-year बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कहा गया है। 12वीं करिए और 12वीं के बाद सीधा शिक्षक बनने के लिए जो आपने एक सपना देखा है उसमें कूद पड़िए। अब बीएड जो है आपकी 4 साल में पूरी हो जाएगी। 3 साल की आपकी प्री ग्रेजुएशन होती है और 1 साल और लगेगा उसमें। साथ साथ एजुकेशन आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट लगातार पूरे साल, मतलब जितने भी आपके 4 साल रहेंगे आपको पढ़ाते रहेंगे। दूसरा तरीका होता है कि आप ग्रेजुएट हैं, आप 2 साल की बीएड में एडमिशन लेंगे और आप अपनी बीएड की डिग्री पा लेंगे। तीसरा तरीका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, जो 2023 तक 100% अप्लाई हो जाएगा, 1 year बीएड। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी एमए, एमकॉम, एमएससी, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर आपने कोर्स किया गया है, तो आप 1 year की बीएड भी कर सकते हैं। ये बीएड करने के तरीके हैं। बट क्या मात्र बीएड करने से नौकरी लग जाएगी आपकी? तो आपको बीएड करने के बाद टेट या सीटेट का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करना होगा। अब ये क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पूरे देश के लिए एक ही टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया है। अगर आप वो पास कर लेते हैं तभी कहीं पर भी अगर कोई टीचिंग वैकेंसीज आती हैं तो उनमें आप अप्लाई करने के दावेदार बन पाते हैं। बट अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो यूपी टेट, यूपी का भी अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आपने सेंटर वाला कर लिया तो आपको यूपी वाला अलग से करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप यूपी वाला करे हुए हैं तो सेंट्रल की वैकेंसीज में अप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा है आपके लिए, दोनों कर लीजिए। और सबसे बेहतरीन बात यह हो गई है कि पहले क्या था, ये 7 साल के लिए, 5 साल के लिए वैलिड था, बट अब ये लाइफ लॉन्ग वैलिड है। एक बार क्लियर कर लीजिए स्टेट का, पूरी जिंदगी अप्लाई करने के लिए दावेदार। एक बार आप क्लियर कर लीजिए सेंट्रल लेवल का, कहीं भी वैकेंसी निकलती है ताउम्र आप अप्लाई करने के लिए। वो बात जानती हूँ कि एक एज लिमिट होती है, बट आपको बार बार रिपीट करके नहीं करना पड़ेगा।
तो इस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं सीटेट या फिर यूपीटेट या एसटेट जिस भी स्टेट से है, फिर आप वहां जितनी भी वैकेंसीज आने वाली है उन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ स्टेट जो है अपना एक सुपर टेट करके रखते हैं, उसके बाद एक और एग्जाम होता है छोटा सा, अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो मेरिट बनती है और आपको मिल जाती है नौकरी जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ये बेसिक का बता रही हूं। ऐसे ही टीजीटी का अपना एक स्ट्रक्चर है, अभी तक टीजीटी और पीजीटी के लिए टेट नहीं होता था, बट आने वाले समय में टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए भी एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा जाएगा। जो लोग उसे क्लियर करेंगे वही इस एग्जाम में आगे बैठ पाएंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहता है। अगर आपके पास एक वैलिड डिग्री होगी जहां पर आप तमाम जो निकल रही है वैकेंसियां उसमें अप्लाई करने के दावेदार बनने लायक हक रखते हैं तभी तो कर पाएंगे। अगर आप डीएलएड कर लेंगे या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पाके रखेंगे तो आने वाली वैकेंसीज को सिर्फ आप ताड़ते रह जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे, आप उनमें अप्लाई करने के लिए बैठ ही नहीं सकते, मतलब एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो मुझे लगता है आप वो डिग्री हासिल करिए जो कि आपको तवज्जो दे। रही बात इसकी कि बीएड भार हो जाएगी, देखिए बीएड अगर भार होनी होती तो ये लोग पहले कर चुके होते ना, जब राजस्थान गवर्नमेंट का डिसीजन आया तभी लोगों को उठा के जो है बीएड को भार कर देना चाहिए था, बट नहीं, गवर्नमेंट का रुझान भी बीएड की तरफ है तो बहुत मुश्किल है ये डिसीजन आना कि बीएड भार हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट वॉन्ट्स क्वालिटी ऑफ टीचर्स। ठीक है, उन्हें लगता है कि बीएड वाले क्वालिफाइड है, मच क्वालिफाइड है एज कम्पेयर टू बीटीसी। और कहीं ना कहीं देखा भी गया है कि बीटीसी में अगर आप बहुत ऐसे हल्के फुल्के भी पढ़ते हैं तो 90-95% मार्क ले आते हैं, और अगर आप ऐसी तैसी भी मार लेते हैं ना बीएड में पढ़ पढ़ के तब भी आपके 70% मार्क्स 75% मार्क्स यहां तक आते हैं। तो ये क्राइटेरिया जो है वो दिखता है कि कहां पर पढ़ाई कैसी है। तो दिस इज ऑल अबाउट, आई एम वेरी बाइस, मुझे बीटीसी भी गुड ऑप्शन लगता है क्योंकि वहां पे बल्क में वैकेंसीज आती है, चांसेस ज्यादा रहते हैं, और बट उनके पास वही ऑप्शन होता है। और बीएड भी अपनी जगह सही है, उसके भी अपने डीमेरिट्स हैं। तो दिस इज ऑल जो मैंने एक जनरलाइज्ड वीडियो आप लोगों के लिए समरी वीडियो बनाई है कि 2022 में जब अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अब बीएड करना सही रहेगा क्या, तो स्टिल जो स्टडीज है वो यही कह रही है कि बीएड में बहुत ज्यादा एडमिशन जो है वो हो रहे हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट्स और बेस्ट और जानकारी के लिए ऐसी जगह से जहां आप जॉब करते करते बीएड करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, कॉन्टेक्ट डिटेल दे दूंगी, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहां से गाइडेंस ले सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं ऐसी जगह जहां पर आप डायरेक्ट जो है बीएड में एडमिशन ले पाएंगे अगर आपने एंट्रेंस दे रखा है विद मिनिमम कॉस्ट, एंड मतलब आपको ज्यादा आना जाना एंड ऑल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आप यहां से इजीली बीएड कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हो ये वीडियो आपके लिए खासा हेल्पफुल रही होगी। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को देने का प्रयास किया है। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और स्टिल एक बार फिर से आपको ये रिमाइंडर देना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पहली बार मिलेगी। और ये देखिए कितना पसीना आ गया, तो यार इतनी मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए और चैनल को पक्का पक्का सब्सक्राइब करके जाना। बाय।